हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं रणधीर, बात करते हैं अभी जस्ट ही 28 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का अभी पेपर ख़त्म हुआ है। स्टूडेंट देख रहे हैं, निकल रहे हैं, इनसे बात करते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। बताइए कितना अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट हम किए हैं वही लगभग 80-82। कितना अटेम्प्ट किए? 120। करंट से कैसा क्वेश्चन आया था? करंट से अच्छा क्वेश्चन आया था, रिसेंटली का क्वेश्चन था, रिलेटेड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से? और एनवायरनमेंट से? एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन क्वेश्चन था। अच्छा। और सीवेज ट्रीटमेंट ये सब का क्वेश्चन था। हाँ। क्वेश्चन अच्छा था। और करंट से? करंट से तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था ना। स्पोर्ट्स से? खेल से क्वेश्चन पूछा था? हाँ, खेल से पूछा था। कैसा क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन याद तो नहीं है, रिलेटेड टू बैडमिंटन, चेस। अच्छा। और फिजिक्स से? फिजिक्स से नॉर्मल क्वेश्चन था, अलॉन्ग 10th लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा। और केमिस्ट्री से? न्यूमेरिकल? केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बहुत कम थे, सारे थ्योरी क्वेश्चन थे। और कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछा था? हाँ पूछा था। मतलब याद है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो याद नहीं है एग्जैक्टली, मतलब पूछा क्वेश्चन। और करंट में क्वेश्चन याद है का तुमको? नहीं क्वेश्चन। और एनवायरनमेंट में? एनवायरनमेंट में सीवेज रिलेटेड क्वेश्चन था, सीवेज से रिलेटेड। और हिस्ट्री? हिस्ट्री ये सब नहीं था, नो हिस्ट्री। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा? फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं, सारे थ्योरी थे, न्यूमेरिकल 2-3 ही न्यूमेरिकल थे। ठीक है। और बात करते हैं, स्टूडेंट निकल रहे हैं अभी सेंटर से, रिव्यू लेना था, कैसा गया आपका एग्जाम? मेरा ठीक गया। ठीक गया। बताइए कि नॉन टेक पार्ट कैसा गया? नॉन टेक पार्ट मेरा मॉडरेट रहा। अच्छा, मॉडरेट रहा। टेक्निकल? टेक्निकल ठीक रहा। किस ब्रांच कौन सा था? सिविल। सिविल कितना अटेम्प्ट किया टोटल? मेरा 133। अच्छा, 130। और 133। और यूट्यूब से पढ़ाई किए थे कभी? यूट्यूब से एक्चुअली हाँ। स्टडी इंडिया अड्डा चैनल से पढ़ाई किए? नो। अच्छा। करंट से कैसा क्वेश्चन? करंट से A12 था क्वेश्चन। अच्छा, 1-2। और कंप्यूटर से? कंप्यूटर से ऑलमोस्ट 5-7। हाँ। और न्यूमेरिकल नहीं आया? न्यूमेरिकल था 3-4। अच्छा, 3-4। यानी कि टोटल कितना अटेम्प्ट किए? 133। ओके, थैंक यू। और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, इसको रिव्यू लेना था। कितना अटेम्प्ट किया? 120। और कैसा क्वेश्चन रहा? ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, नॉर्मल रहा। करंट में कैसा क्वेश्चन? करंट में सर थोड़ा टफ था। करंट में एक आध दो क्वेश्चन याद है जो कुछ? हाँ, एक आध दो क्वेश्चन में जैसे इस समय नहीं याद है। जो क्वेश्चन याद है सो बताइए, एक आध दो क्वेश्चन है जैसे वो वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? हाँ, कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछा। एलयू का? हाँ, तो पता ही होगा। हाँ, दोनों को उसमें फुल फॉर्म पूछा बोलता। अच्छा, और क्या चाहिए? न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल नहीं था, एकदम थ्योरेटिकल पेपर था, दोनों न्यूमेरिकल था, गिन के मात्र। बाकी टेक्निक यूट्यूब से स्टडी किए हैं? यूट्यूब से? हाँ, स्टडी किया हूँ। स्टडी इंडिया अड्डा चैनल से? नहीं, तो वो उससे नहीं किया। नहीं, तो स्टडी इंडिया अड्डा चैनल सर्च करिएगा, पूरा नॉन टेक उस पर मतलब पढ़ाई करवाए हैं, नॉन टेक पार्ट। ठीक है, कितना अटेम्प्ट किया है? सर 115 के लगभग अटेम्प्ट किया मैंने। अच्छा, 115 का। करंट का क्वेश्चन कैसा है? करंट का है तो ज़्यादा अभी नए तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, नए और न्यूमेरिकल नहीं आ रहे वैसे। अच्छा, खेल से क्वेश्चन? खेल से खेल से दो क्वेश्चन आए। खेल से याद है कौन सा क्वेश्चन? एक तो सऊदी अरब में चेस से आया था। अच्छा, और एक और एक वर्ल्ड उसका बा उसका आया। अच्छा, बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल कितना अटेम्प्ट किए? लगभग 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन। कैसा रहा एग्जाम आपका? पेपर जो आ रहा है ना वो एकदम ऑब्जेक्टिव लेवल, एकदम मतलब खुरमी का जो बुक है, एकदम छोट ऑब्जेक्टिव आ रहा है। हाँ, और मतलब 10 क्वेश्चन मुश्किल से थे जो आप बनाने वाले थे। अच्छा, और उसके बाद मतलब सभी पेपर को बराबर मतलब पूछा गया है, जिसमें RCC और
ये बिल्डिंग मटेरियल पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अच्छा। हाँ, और ये जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो एकदम लो लेवल का ही आ रहा है, मतलब जानकारी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, 10 से 15 न्यूमेरिकल आए हैं, वो बहुत छोट छोट करके आए हुए हैं। केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं, वो हीलियम उलियम इस सब का, परमाणु संख्या इस सब से, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस सब का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, कंप्यूटर से? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक आ रहे हैं, और ऑटो कैड का भी क्वेश्चन, कुछ 5 क्वेश्चन लेते हैं ऑटो कैड के। हाँ, इन्वायरमेंट से भी थे, और सबसे ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल और RCSE के क्वेश्चन थे। और कंप्यूटर क्वेश्चन जो फुल फॉर्म हो? हाँ, फुल फॉर्म वगैरह ये सब पूछा। कैसा? जैसे एक दो फुल फॉर्म थे, अब उतना मैं मिस कर रहा हूँ। ALU का फुल फॉर्म पूछा? नहीं, ALU का नहीं पूछा। अच्छा, उस टाइप का ही पूछा। नहीं नहीं, ALU का नहीं पूछा। अच्छा। उसका यूज टाइप से पूछ रहा था, मतलब पेपर ऐसा था कि मतलब इसमें बनाने के लिए मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में मतलब बहुत सारा गलती हो सकता है। हाँ, चलिए, अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। रिव्यू लेना था आपसे, कितना अटेम्प्ट किए? 101 अटेम्प्ट किए। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर एवरेज मारा है। तो ये बताइए कि करंट में कैसा पहुँचा रहा? करंट में वही वित्त आयोग करके कुछ का आया था। अच्छा, वित्त आयोग। हेल्थ से क्वेश्चन पूछा था? हेल्थ से? खेल से कोई क्वेश्चन? खेल से नहीं पूछा था। खेल से कर रहे हैं? हाँ, खेल से। खेल से बैडमिंटन से था कोई? अच्छा, बैडमिंटन से था। कौन जीता है एक? अच्छा। और कंप्यूटर से? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन। एनवायरमेंट से बताइए एक आध क्वेश्चन। एनवायरमेंट से क्लोरीन की कितना क्वांटिटी हम लेते हैं? अच्छा। ड्रिंकिंग वाटर में ये सब था। और साइंस से? साइंस नॉर्मल वही जो हमारा ऑक्टेट पूरा करता है ना, केमिस्ट्री वगैरह से था क्वेश्चन कुछ। और बोलिए कुछ। ठीक है, सर्च करिएगा स्टडी इंडिया अड्डा से, हम लोग आए हैं। ठीक है ना, स्टडी इंडिया अड्डा। ठीक ठीक है। एग्ज़ाम देने? नहीं। अच्छा, अभी देने वाले हैं क्या? अभी देंगे एग्ज़ाम। अच्छा, आप देख रहे थे, अभी जस्ट ही निकले थे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के, और फर्स्ट शिफ्ट का अभी जस्ट ही ख़त्म हुआ है एग्ज़ाम। सेकंड शिफ्ट का भी लाइव इसी तरह के कवरेज करेंगे। आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए, और वीडियो को जितना लाइक करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत।